भूमि के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। आमीन। इतिहास अध्याय 7 और याकूब का पत्र उसका अध्याय 5। मसीह यीशु मसीहों, आज हम वर्तमान परिस्थितियों पर बात करने जा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जिन बातों से आप रूबरू हो रहे हैं,
और सचमुच में अजीजों परमेश्वर का वचन जो ताया हुआ है बहुत पहले से इन भविष्यवाणियों को और उन बातों को परमेश्वर ने अपने कलाम में कह दिया है। इसलिए इस वचन की शुरुआत में ही मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि आज तक जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग विचलित हैं, जो अस्थिर मन जिनका है, जो इन नकारात्मकताओं को देखकर, नकारात्मक न्यूज़ को सुनकर जो घबरा रहे हैं, उन सब से मैं आज कहना चाहता हूं, घबराइए मत, विचलित मत होइए, परंतु तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और उन अनेक परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें तैयार करता है। मेहरबानी से आप सब अपने साथ अपने पवित्र शास्त्र को रखकर इस आराधना में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जरूर अपने साथ परमेश्वर के वचन को रख करके बैठें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम सब अपने साथ परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखे होंगे। सो अगर आप रेफरेंसेस को निकाल करके पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ ले पाए। आइए हम प्रभु की महिमा में इन वचनों से आशीषित हों। भविष्यवाणियों को जो कलाम में कही गई उनके बारे में थोड़ा देर में आपके साथ कुछ वचनों को शेयर करना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16वां अध्याय और 4वीं आयत, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16वां अध्याय 4वीं आयत लिखा है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। आमोस अध्याय 8 आयत 3, आमोस अध्याय 8 आयत 3, मृतकों को चुपचाप चुपचाप फेंक दिया जाएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 2:11, यशायाह नबी की किताब उसका 2:11, मनुष्य का घमंड जिसके बारे में बताया गया, मनुष्य का घमंड, क्योंकि आदमियों का की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। आज हमारी उम्मीद, हमारी दृष्टि परमेश्वर पर बनी हुई है, दुनिया की कोई ताकत निजात नहीं दिला सकती। आमोस अध्याय 8 आयत 3 को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, आमोस 8:3 लिखा है, और शवों का ढेर लगेगा। एक दिन मैं अपने अजीज से बात कर रहा था, वो अपने पेरेंट को खाना देने के लिए हॉस्पिटल को जा रहे थे और उन्होंने बताया कि जब वो हॉस्पिटल को जा रहे थे तो वो लाशों को लांग करके हॉस्पिटल में एडमिट अपने प्रिय को देखने के लिए जा रहे थे, उन्हें खाना दे देना है। शवों का ढेर लगेगा, ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने इस समय में हैं और हम देख रहे हैं। यिर्मयाह नबी 16:4, यिर्मयाह नबी 16:4 दिखा, मृतकों के लिए कोई छाती ना पीटेगा, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा और ना उनको मिट्टी देगा। मिट्टी भी नहीं दे पा रहे मसीह यीशु मजीजों इन दिनों में अपने अजीजों को, जो किसी और शहर में शांत हो गए, जो किसी और शहर में मर गए, उनको मिट्टी देने वाले उनके खुद के अजीज वहां पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। आमोस अध्याय 8वां अध्याय, आमोस अध्याय 8:3, मंदिरों में भजन बंद हो जाएगा। आज हरेक आराधनालय बंद है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उन दिनों में राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, मतलब मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, परमेश्वर के भवन बंद हो जाएंगे। लेकिन हम इसको इस तरीके से समझें कि जरूर खुदा के दरवाजे, परमेश्वर के दरवाजे तो हमेशा हम खुले रहते हैं, परंतु जो फिजिकल बिल्डिंग है, मैं इसकी बात कलाम कह रहा हूं, बिल्डिंग, फिजिकल बिल्डिंग, उसके दरवाजे बंद हो जाए। आमोस अध्याय 8 आयत 10 लिखा है, वहां पर पढ़ेंगे तो पाएंगे, राज्य कांपेगा। आज न केवल हमारा शहर, हमारा प्रदेश, बल्कि पूरा देश कांप रहा है। लिखा, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा। आज हर प्रदेश में रोना होगा, आज हर प्रदेश में विलाप है, और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बांधवाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुंडवाऊंगा। कलाम कहता,
आमोस अध्याय 8 आयत 11 लिखा है, परमेश्वर के वचन के सुनने की प्यास होगी। कलाम कहता है देखो ऐसे दिन आते हैं, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। क्या करूंगा? मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 16वां अध्याय 9वीं आयत, यिर्मयाह 16:9 आयत, शादी त्योहार बंद हो जाएंगे लिखा, शादी त्योहार बंद हो जाएंगे। वी आर अनेबल टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल विच वी हैव विच वी हैड प्रीवियस टाइम, ना खुशी से क्रिसमस मना सके, ना खुशी के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर सके, ना अच्छे तरीके से आपस में मिल सके, ना शादी ब्याह प्रॉपर तरीके से हो पाए, अपने अजीजों को ब्लेस करने के लिए, अपने अजीजों को अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए माता पिता नहीं पहुंच पाए। कलाम कहता है यिर्मयाह 16:9, क्योंकि सेनाओं के यहोवा इज़राइल का परमेश्वर जो कहता, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में, और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष होगा, ना आनंद का दिन होगा, और ना आनंद का शब्द सुनाई देगा, ना दूल्हे और ना दुल्हन का शब्द होगा। और यशायाह नबी की किताब उसके 26वें बाब की 20वीं आयत को जब हम गौर फरमाते हैं तो पाते हैं घर में बंद रहना पड़ेगा। कलाम कहता है मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ बंद कर लो, थोड़ी देर तक, थोड़े देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। और अमोस अध्याय 8 आयत 2 के हिसाब से अंत का समय निकट होगा। कलाम कहता है ये एक यहां पर अमोस के किताब में एक दर्शन है, जो दर्शन है फलों से भरी हुई टोकरी का दर्शन। कलाम कहता है वहां पर मेरी प्रजा इसराइल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह में प्रियो, ये वचन मैं आप सबको डराने के लिए, आपको और ज्यादा विचलित करने के लिए बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा, परंतु मेरे इस कलाम के आपके साथ शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अब और नहीं मसीह यीशु मसीह, अब और नहीं प्रभु के साथ हमें बने रहना है, क्योंकि उसका वचन सब कुछ पहले से बता के रखा। आज जिन परिस्थितियों से हम विचलित हो रहे हैं, जिन परिस्थितियों से हम घबरा रहे हैं, इन परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर ने पहले बोल रखा है। आज खुदा का कलाम जब हम इस चीज को पढ़ते हैं पाते हैं कि संग्राम तो परमेश्वर का है, और जब संग्राम परमेश्वर का इस बात को सोचकर हम इस युद्ध में लड़ते हैं तो जरूर हम सैनिक होंगे, और जब सैनिक होते हैं तो उन तीरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ना तो दिल तोड़ने वाले तीर से तेरा कुछ हानि होगी, तेरे दाहिने और बाईं और हजार गिरेंगे परंतु वो तुझे छूने ना पाएगा। हालेलुया मसीह यीशु में अजीजो, प्रभु यीशु मसीह में प्रियो, पवित्र कलाम में इन घटनाओं का वर्णन पहले से दिया हुआ है। ये हमारे लिए जागने का समय है, ये हमारे लिए सतर्क होने का समय है, ये हमारे लिए अपने जीवन को तैयार करने का समय है। दूसरा अध्याय 7वां अध्याय 14वीं आयत को जब हम पढ़ते तब पाते, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी अपनी बुरी चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया मसीह यीशु में विजो, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा ईश्वर गोपाल त्राही त्राही कर रहा है, और हम देशवासियों की, शहरवासियों की, अपने प्रदेशवासियों की स्थिति से वाकिफ है, जो हर जगह नष्ट होती दिखाई दे रही है। और इस जगह पर मैं आपको कहना चाहता हूं, सरप्राइज मत होइए, विश्वास रखिए, प्रार्थना कीजिए,
हर सुबह, हर सप्ताह, हर महीने हमको सरप्राइजिंग न्यूज आएंगे। ये विश्वास का परीक्षण है, इसमें हमें घबराना नहीं है। खुदा का कलाम हमें तैयार कर रहा है। ये हमारे सोने का समय नहीं है, ये हमारे आराम करने का समय नहीं है, परमेश्वर से मेल मिलाप करने का समय है, बल्कि अपने पापों को मानकर गिड़गिड़ाने का समय है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझसे जाने में भी गलतियां हुई और अनजाने में न जाने कितने पाप हुए, प्रभु मुझे क्षमा कर, कहने का समय है। सब मिलाकर अपने देश के, सब मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करने का समय है। मसीह मसीहों, जब हम बीते दिनों 5 मई को नेशनल डे ऑफ प्रेयर हम जिसमें शामिल थे, हम खुदा का शुक्र करते हैं हमारे ऑनरेबल बिशप बिशप एम ए डैनियल साहब के लिए, जिन्होंने कलाम से हमें तरोताजा किया, जिन्होंने हमें प्रेरित किया। और कुछ दिनों पहले जब हम मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के ऑनलाइन एक प्रार्थना सभा में शामिल थे, तो हम शुक्रगुजार हैं बिशप साहब ने और हमारे सारे डीएस साहबानों ने, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स ने हमारे लिए प्रार्थना करी, हर एक चर्च के हर एक सदस्य के लिए, सारे ले भाइयों ने और साथ ही साथ सारे पासवानों ने मिलकर प्रार्थना करी कि हमारी एक एक कलीसिया, एक एक विश्वासी बचाया जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बिशप साहब ने दूसरा इतिहास सातवां अध्याय और 11-17 में पढ़ करके हमको सुनाया और हमें मोटिवेट किया। और जब हम इस बात को पढ़ रहे थे तो हमने इस बात को महसूस किया, कलाम कहता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। दीन होकर प्रार्थना जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, जरूर सुनेगा, वो हमारी दुआई को सुनेगा। और जब हम परमेश्वर के सीकर हो जाते हैं, परमेश्वर को हासिल करने की चाह रखते हैं, तो हम परमेश्वर के दीदार को करने पाते हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने हमें समझाया कि जब हम अपने चालबाजियों को छोड़ देंगे, अपने अपनी धोखाधड़ी वाली बात को छोड़ देंगे, अपने उस गंदे स्वभाव को छोड़ देंगे और परमेश्वर को खोजी होंगे, दीनता के साथ प्रार्थना करेंगे, तो हमारी हर एक प्रार्थना आमीन में सुनी जाएगी। हालेलुया। और जब हम कलाम में आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि खुदा कहता है आई विल हियर योर प्रेयर, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा, दैट वाज द टू फोल्ड ब्लेसिंग्स, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुमको ब्लेस करूंगा, तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा, नंबर टू मैं और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्यारे अजीजों, और तीन बातें जो आज के पढ़े गए कलाम, दूसरे कलाम याकूब अध्याय 5:13-16 में हमने पढ़ा, तीन बातें हमने पढ़ी, तो हमने पाया कि पहली सदी की जो कलीसिया थी, you know what is the difference of the first century congregation and today's congregation, there are difference. वो congregation पहली सदी की जो congregation थी वो आराधना करने वाली congregation थी, they used to worship, गाना गाने वाली प्रार्थना थी, परमेश्वर की आराधना में लिप्त रहने वाली कलीसिया थी। मसीह यीशु में अजीजो, वो कांग्रीगेशन प्रार्थना करने वाली कांग्रीगेशन थी। और जब हम कलाम को याकूब अध्याय 5 को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं वालिका, धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। यशायाह नबी किताब उसका 26:20 में लिखा, परमेश्वर क्रोधी हुआ है, ये उसका क्रोध है। ऑफ कोर्स गॉड इज एंग्री अपॉन अस, माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, हमने खुदा को रिस दिलाया है, सैकड़ों बार हमने दुआ में परमेश्वर के वचनों को स्मरण किया होगा, सैकड़ों बार इसी सीने को ठोक करके हमने इस बात को कहा होगा कि मैंने जाने और अनजाने में जो पाप किया प्रभु ने माफ कर, लेकिन कितने बार हम उसको जान करके उन पापों में लिप्त हुए, कभी खुदा के सामने कहते कि मैं पापी हूं, गुनाहगार हूं, फिर पाप में लिप्त हो जाते, क्या खुदा चाहता है कि हम वापस पाप में जाएं?
मेरे अजीजो, हेलो चर्च, क्या हमको ऐसा ही करना है, ऐसे ही जारी रखना है, आगे ऐसा ही करना है? क्या हम उस निर्दोष मेमने के बहाए हुए लहू को इग्नोर करते हैं? और क्या देखना बाकी रह गया? कोरोना वायरस वापस जकड़ रहा, और क्या देखना बाकी रह गया? मसीह यीशु मसीह, अभी भी शायद कुछ नींद प्यारी है, अभी भी शायद परमेश्वर के क्रोध को हमने जाना नहीं। माय डियर फ्रेंड्स इन क्राइस्ट, गॉड इज एंग्री अपॉन अस। हमें खुदा की मर्जी के खिलाफ हमने काम किया, नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड बट वी डिड अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। याकूब के पत्र से हमें मालूम होता है कि हम में ही खोट है, हम में ही कमी है, हम में ही कमजोरी है, हम में ही ढोंग है, इसलिए चंगाई नहीं मिलती। ये वक्त है कि हम मसीह भाई बहन विश्वास और ईमान के परीक्षण का जो समय समय चल रहा है, खरे उतरने की जरूरत है। हम उस भट्टी में इस समय हैं जहां पर शद्रख मेशक और अबेदनगो को जो 10 गुना ज्यादा भटकाई हुई धटकाई हुई भट्टी में हैं, और वो 3 वहां पर हैं। मानो हम उन शेरों की मांद में हैं, जन शेरों के भूखे शेरों की मांद में, जहां पर दानिया अकेला है। हम उस बाढ़ में हैं जहां पर 40 दिन और 40 रात से लगातार बारिश होती रही, और हम उस नूह के समान उसके जहाज में हैं। मानो हम उस स्थिति में हैं कि हम मौत की वादी में हैं, चारों तरफ मौत ही मौत है, लेकिन हम अकेले। स्मरण करें, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमारे साथ है। चारों ओर कोरोना वायरस फैला हुआ और उस बीच में हम फंसे। स्मरण करें मसीह यीशु में, अजीजो, ऐसे समय में क्या करेंगे? अपने विश्वास के परीक्षण को दृढ़ता के साथ इस विश्वास में खरे उतरना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में लिखा, सदा आनंदित रहो। क्या करना है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। लूका 18 कलाम कहता है, नित प्रार्थना करना और यावना छोड़ना, विश्वास से प्रार्थना के द्वारा सहे सब कुछ संभव होगा। मसीह यीशु मसीह। और आखिरी और तीसरी बात, वह कांग्रीगेशन उस समय की पहली जो कांग्रीगेशन थी वो कन्फेशिंग चर्च था, अपने पापों को मान लेने वाला चर्च था। आजकल कोई अपने पापों को मानने में घबराता है, नहीं कहना चाहता कि मैं पापी हूं। और आजकल जो है, अभी भी कुछ गर्त बाकी है, अभी भी धूल बाकी है चश्मों में, अभी भी कुछ चीजें बाकी है हमारे दिलों में। और कितना वक्त लेंगे हम इस बात को स्मरण करें, और कितना वक्त चाहिए? प्रभु बिल्कुल स्पष्ट हम सबको सब बातें क्लियर करके कह रहा है, प्रभु के चरणों में हमें वापस बने रहना है। वो कांग्रीगेशन अंगीकार करने वाली कांग्रीगेशन थी, वो आपस में एक दूसरे के दुखों को शेयर करने वाली कांग्रीगेशन थी, वो माफ करने वाली कांग्रीगेशन थी। कुछ तो फर्क है मसीह मसीजो, इन फर्कों को समझें और प्रभु में दृढ़ता के साथ उसके चरणों में आ जाएं, परमेश्वर के सामने दीनता से आ जाएं, परमेश्वर के सामने माफी मांगे, परमेश्वर जो है पाप से नफरत करता है लेकिन पापी से प्यार करता है, इसलिए उसने हम सबको बख्शा है। मसीह यीशु मसीहों, लोग अपने पापों को छुपाते हैं, लेकिन हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह से नहीं छुपा सकते। मेरे प्यारे मित्रों, आज की सुबह हम प्रभु चरणों में आ जाएं। सब कुछ प्रभु ने अपने कलाम में हमें कह दिया है, उसके कलाम को पढ़ें, अपने दोस्तों से मित्रों से शेयर करें, प्रभु हम सबको बहुत 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 आशीष देगा। मसीह यीशु मसीहों, आज एक बहुत ही खूबसूरत ओकेजन है जो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, संभवतः हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया मदर्स डे को ऑब्जर्व कर रही है। हम इस प्रार्थना में सारी माताओं को स्मरण करना चाहते हैं, हम एक छोटी धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। हम सारी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आप सबों को हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। आइए मसीह यीशु मसीहों,
हम इस दोहरे ओकेजन में डबल फोल्ड टू फोल्ड ब्लेसिंग्स के समय में परमेश्वर के पवित्र चरणों में आए और इस समय में गुजारिश करना चाहूंगा, आप भले अपने घरों पर हैं परंतु इस समय आराधना में जितनी भी माताएं शामिल हैं उन सब से कहूंगा कि थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़ी होंगी और हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से जो हमने सुना उससे भी ब्लेस होना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम बड़े दीनता और नम्रता के साथ उससे निवेदन करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारे मन को हमारे हमारी आत्मा को तू जानता है प्रभु, हमें क्षमा कर, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर इस वायरस को दूर कर दे प्रभु, क्योंकि हमने कलाम से सीख लिया कि धर्मी जन की प्रार्थना से हम चंगे हो जाते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस कठिन पीड़ा को जो सब पूरे दुनिया के लोग झेल रहे प्रभु जी और हमारे अजीज झेल रहे प्रभु जी, करुणा करें प्रभु परमेश्वर, सबों को चंगाई बख्शे, हर प्रार्थना को सुने प्रभु, आज भी चंगाई मिलती प्रभु, हम विश्वास करते और मांगते जिनके लिए प्रार्थनाएं मांगी गई वो सब के सब चंगे होने पाए, बस यीशु के नाम से दुआ करते आज की सुबह सारी मदर्स के लिए, सारी माताओं के लिए प्रार्थना करते, तूने उन्हें मां होने का उस प्रभु जी एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग दी है। पिता परमेश्वर हर एक माओं को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, मांगते तेरी अद्भुत कृपा उनके जीवन पर बनी रहे और मातृत्व का सबसे बड़ा नमूना जो प्रभु परमेश्वर हम तेरे चरणों में आकर बिब्लिकल उन सारी माताओं को देखते हैं प्रभु, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते सारी माएं जो इस समय अपने स्थान पर खड़ी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबकी सब ब्लेस होने पाए और प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से इन सबको ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, आज आराधना में शामिल होने वाला हरेक आशीष को पाने पाए, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही जहाँ चश्मा रूसे खास, रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास मुझको पाक कर अब, कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और फूल, तेरी मर्जी पा मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी जहाँ चश्मा तुसे खास, रख तू मुझको 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 ऐ मसीह, आपने जख्मी पहलू पा, तेरा खुश होगी मेरी
ऐसी जहां चश्मा क्रूसे जहाँ चश्मा क्रूस से खा रक्त मुझको ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पा। ईश्वर अजीजो, हम प्रार्थना में शामिल हो और ब्लेसिंग के साथ हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आज की प्रार्थना सभा में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सारी माताओं के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जिन्हें प्रभु तूने माँ कहा, माँ होने का एक वरदान दिया और प्रभु बच्चे दिए। प्रभु उन सब के लिए धन्यवाद करते जो बड़े विश्वास हृदय के साथ जिन्होंने आज की सुबह तेरे सामने भेंटों को चढ़ाने का कमिटमेंट किया है प्रभु, जिन्होंने प्रभु जो ऑनलाइन और प्रभु परमेश्वर तेरे चरणों में धन्यवाद की भेंटें समर्पित करते हैं, हम उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु हरेक के घरों में हरेक के भंडारों को भरा पूरा रखें और हरेक की सुधी लें। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के लिए बहुतायत के साथ और आशीषों की मांग करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज उस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक प्रिय कलीसिया के साथ, जगत के हर विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे, आमीन। आमीन।